एवरीवन, वेलकम टू पायल्स पैशन। आपका अपने फूड चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस मौसम की सबसे खास मिठाई, जो कि हम तीज हो या रक्षाबंधन का त्यौहार हो, सब में ही हम मिस करते हैं और हमें खानी बहुत अच्छी लगती है, जो कि है राजस्थान का फेमस मलाई घेवर। और इसे हम आज बहुत कम इन्ग्रीडियंट के साथ में, बहुत कम घी के साथ में बनाने वाले हैं, जो कि आपको बनाना भी बहुत इजी लगेगा। इतने इजी मेथड से हम इतने सारे सिर्फ एक कप मैदा में हम घेवर बना पाएंगे। और यकीन मानिए, ऐसे ही जाली आप बना पाएंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और इस वीडियो में आपके साथ में छोटे छोटे मैं टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ, जो कि हलवाई यूज़ करते हैं घेवर बनाने के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और बिल्कुल अच्छे से फॉलो करें सारा मेजरमेंट, तो आप परफेक्टली सेम ऐसा ही पहली बार में बना पाएंगे। बाजार से ये मलाई घेवर बहुत महंगे आते हैं, जितना एक घेवर पड़ता है इतने में आप घर में ढेरों मलाई घेवर बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए एक एक मेजरमेंट को ध्यान से फॉलो करके बनाएंगे तो आप ऐसे घर पर इजीली बना पाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे, मार्केट से ज़्यादा टेस्टी ये होते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रबड़ी बनाना बता रही हूँ, जो हम घेवर के ऊपर लगाने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर टोंड मिल्क लिया है अमूल का, आप इसकी जगह फुल क्रीम मिल्क भी ले सकते हैं। डिफरेंस ये होगा कि उसमें आपकी रबड़ी थोड़ा क्वांटिटी वाइज ज़्यादा बनेगी, इसमें थोड़ा कम बनती है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। पर अगर टोंड मिल्क से बनाते हैं थोड़ा सा फैट फ्री हम रबड़ी बना सकते हैं। यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर रखा है, क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर हम रबड़ी बनाएंगे तो उसका कलर लाइट कलर होगा, अदरवाइज अगर हम लो फ्लेम पर बनाते हैं तो उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। देखिए यहाँ पर मिल्क हमारा हाफ हो चुका है रिड्यूस होकर, तो अभी चारों तरफ से किनारों से हमें इसे लगातार चला के मिलाते रहना है। और यहाँ पर मैं 1/4 कप शुगर मिला रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी कप ले लीजिए और उसी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंगली, जितना मैं आपको बता रही हूँ हाफ लेना है या 1/4 लेना है, उसके अकॉर्डिंगली आप डालते जाइए। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया था, उसको मिला दिया है। इससे रबड़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसे ज़रूर मिलाएं, स्किप ना करें। आप किसी भी चीज़ के लिए रबड़ी बना रहे हैं तो उसमें इलायची होना ज़रूरी है। अब इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको कंटिन्यूस चलाना है, साइड से किनारों पर से हटाते हुए जो मलाई लग जाती है साइड में, उसको मिक्स करना है पूरी रबड़ी में। अगर आप इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। चारों तरफ से इसे मिक्स करते हुए किनारों पर से हटाते हुए कंटिन्यूस चलाना है, क्योंकि किनारों पर अगर जमने लगती है तो एक लेयर उसमें जम जाएगी और फिर वो उसमें मिक्स नहीं हो पाएगी, तो इसलिए कंटिन्यूस आप साइड से भी हटाते रहें। और ऑलमोस्ट हमारी ये रेडी हो चुकी है। देखिए इतनी थिक कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, क्योंकि रखने के बाद भी थोड़ा ये गाढ़ी होती है। तो अभी एक बार चला कर मैं इसे यहाँ पर गैस को ऑफ कर दूँगी। तो चलिए अब घेवर का बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप घी लिया है, जो कि बड़ी चम्मच अगर हम नापें तो 2 ही चम्मच होगा और छोटी चम्मच से नापेंगे तो ये 4 चम्मच होगा। इसको पूरा हम मिक्सर में डाल देंगे। हाँ जी, हम मेहनत नहीं करने वाले हैं ज़्यादा, हम डायरेक्टली मिक्सी में बनाने वाले हैं, घंटों का मिनटों में करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर 5 आइस क्यूब मैंने डाल दी हैं। देखिए यहाँ पर मिक्सी को पल्स पर चलाना है कि रुक रुक कर चलाना है, और घी बिल्कुल बटर की तरह दिखने लग गया है। चारों तरफ से इसे हटा लेंगे और इसको एक बार हाथ से ऐसे मैश कर देखेंगे। हल्का सा दाना हमें अभी दिख रहा है घी में, तो एक बार और मिक्सी को बंद कर हम रुक रुक कर चलाएंगे। देखिए इस तरह से पूरा स्क्रैप कर लीजिए और इकट्ठा कर लीजिए उसे, और फिर उसके बाद में आप चलाइए। चारों तरफ ये चिपक जाता है क्योंकि हमने इसमें आइस डाली है, तो बिल्कुल चिल्ड हो चुके हैं और बटर का लुक आ गया। तो अभी दोबारा से हम इसे एक दो बार रुक रुक कर चलाएंगे और देखिए पूरा अच्छे से जो हमारा ये घी है किस तरह से मिक्सअप हो चुका है, क्रीमी लुक इसका आ चुका है, कलर लाइट हो चुका है बिल्कुल। अभी हाथ से फिर चेक करते हैं, तो ये बात ध्यान देने वाली है कि बिल्कुल क्रीमी होना चाहिए, बिल्कुल भी दानेदार नहीं रहना चाहिए, यही इसकी पहचान है। ये थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पर ये बिल्कुल आधी मेहनत है क्योंकि ये हम मिक्सी में कर रहे हैं, वैसे ये हाथ से की जाती है। तो ये इजीएस्ट वे बताया है आपको घेवर बनाने का। और यहाँ पर अब मैं 1/2 कप मिल्क ले रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल मिल्क है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, कोई चिल्ड मिल्क नहीं है क्योंकि आइस हमने इसमें ऑलरेडी डाली हुई है। तो कोई भी आप सिंपल दूध ले लीजिए, और इसको भी डालकर हमने चलाया है। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो ये घी है इसमें मिक्स हो जाएगा। स्पैचुला से उसे इकट्ठा कर लीजिए एक बार। और अब इसमें हम मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे अपना मैदा, जो कि मैं 1 कप ले रही हूँ, 200 ग्राम है ये वेट में। अब 2-2 चम्मच करके हम इसे मिक्स करेंगे, एक साथ नहीं मिक्स करना है। और एक बार मिक्सी को चलाएंगे रुक रुक कर,
और ये हमें लम्प फ्री बैटर बनाना है, इसलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम मैदा मिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं चिल्ड वाटर ले रही हूँ, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और फिर 2 चम्मच हम मैदा मिलाएंगे। इस तरह से 2 से 3 बार हम कर लेंगे फ्रेंड्स, और बाद में हम फिर रुक रुक कर चलाएंगे जिससे कि बैटर हमारा ठंडा ही रहे और लम्प फ्री बने, बिल्कुल भी इसमें गांठे ना रहें। थोड़ा थोड़ा सा मैदा डालिए इस तरीके से, फिर थोड़ा सा पानी डालिए और इसी ये प्रोसेस आपको 3 से 4 बार करनी होगी फ्रेंड्स। अब पूरा मैदा मैंने इसमें डाल दिया है और चिल्ड वाटर ही इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ हर बार। देखिए इस तरीके से इस बैटर के लिए 2.5 कप मैंने टोटल चिल्ड वाटर लिया है जिससे कि फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो सके। मिक्सी को आपको रुक रुक कर चलाना है, एक साथ कंटिन्यूस नहीं चलाना है, इससे हमारा बैटर गर्म हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। और देखिए कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लोइंग होनी चाहिए और लम्प फ्री होनी चाहिए, इतना पतला घोल हमें चाहिए फ्रेंड्स। अब एक सीक्रेट टिप मैं आपको यहाँ बता रही हूँ जो कि है 1 बड़ा चम्मच भरकर बेसन। ये हलवाई जरूर डालते हैं, ये कलर और टेक्सचर के लिए होता है। और देखिए अब हमारा परफेक्टली रेडी है बैटर जो हमें घेवर के लिए चाहिए था फ्रेंड्स। देखिए इस तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट बैटर बना है। और यहाँ पर ये और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये है हमारा लेमन जूस। यहाँ पर मैंने एक छोटा लेमन लिया था, उसका जूस मिलाकर लास्ट बार हम फिर चला लेंगे और इस बैटर को अब हम अपने बाउल में ट्रांसफर कर लें। लेमन डालने से घेवर बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। अब इसको कवर कर हम फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए चिल्ड होने के लिए, जो कि घेवर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब घेवर के लिए चाशनी रेडी कर लेते हैं। 1 कप चीनी ली है और 1/2 कप पानी डाल रही हूँ इसमें। इन दोनों को हमें मिक्स करना है। यहाँ पर हमें 1 तार की चाशनी बनानी है क्योंकि घेवर के लिए 1 तार की चाशनी परफेक्ट रहती है। थिक होगी तो वो अंदर तक नहीं जाएगी और ज़्यादा पतली होगी तो वो घेवर को सौगी करेगी। 1 तार की चाशनी के लिए 1:2 का रेशो होता है, यानी कि अगर हमने एक बाउल हमने चीनी ली है तो 1/2 बाउल अगर हम पानी डालेंगे तो परफेक्टली बहुत 2 से 3 मिनट में ही हमारी चाशनी बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए अभी आपको मैं चम्मच से डाल के दिखाऊंगी, उससे भी पता चल जाएगा अगर लास्ट वाला जो ड्रॉप गिरता है अगर उसका 1 तार खिसता है, इट मीन्स ये हमारी जो चाशनी है वो 1 तार की बन चुकी है। दूसरा तरीका है आप चम्मच पर से ऐसे चाशनी लें और उंगली और अंगूठे के बीच में ऐसे तार खींच कर देखें, अगर 1 तार आता है तो आपकी 1 तार की चाशनी बन चुकी है। अब यहाँ पर मैं केसर को गर्म पानी में भिगा कर पहले से रख चुकी थी, उसको मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है। ये हम घेवर में यूज़ करने वाले हैं तो यानी कि केसर का फ्लेवर हमारे घेवर के अंदर तक चला जाएगा। तो चलिए अब घेवर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मोल्ड हमारे पास नहीं है, बिना मोल्ड के बनाने वाले हैं तो उसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह की कोई भी छलनी आप ले सकते हैं, ये आटा छानने वाली छलनी सबके घर में ऑलमोस्ट रहती ही है, और नहीं है तो मार्केट से आप कोई भी सस्ती सी ले आए छलनी ऐसे और उसके अंदर की जाली को निकाल दीजिए तो मोल्ड बिल्कुल रेडी है आपका घेवर का। या फिर कोई भी आपके पास ऐसा भिगोना रखा है जो कि हाइट वाइज थोड़ा लंबा है, ऐसे पतीले मोस्टली होते हैं सबके घरों में, तो अगर नहीं है तो आप इस तरह का भी पतीला ले सकते हैं। ये तो सभी के घर में दूध उबालने के लिए होता ही है, इससे भी परफेक्टली आप बना पाएंगे घेवर। या फिर कोई भी कढ़ाई हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं घेवर बनाने के लिए, जैसे मार्केट के बड़े बड़े आते हैं घेवर इसमें ऐसे बनेंगे। या फिर इस तरह का फ्राई पैन हो जो कि चाय के लिए हम यूज़ करते हैं, थोड़ा हाइटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है, या इस तरह का भी फ्राई पैन आप ले सकते हैं। आप किसी में भी जिसमें आपको बनाना है बना सकते हैं, मैं आपको 1 बर्तन में बनाना बता रही हूँ, बहुत ईजिली बन जाते हैं। अब घेवर के बैटर डालने के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन दे रही हूँ जो कि सबसे इजी है, और बिगनर है तो यही यूज़ करें। कोई भी सॉस बोतल या इस तरह की कोई बोतल या पेप्सी की बोतल में भी आप छेद कर उसमें बैटर भरकर डाल सकते हैं, बहुत इजी रहता है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह का एक पतीला लिया है, थोड़ा ये हाइटेड है, इससे फ़ायदा ये रहता है कि इससे तेल उछलता है तो बाहर नीचे ज़्यादा नहीं गिरता है और बहुत अच्छे घेवर बनकर रेडी होते हैं। इसमें 1/2 तक हमको घी भरना है, आप घी लें या फिर रिफाइंड ऑयल लें या वनस्पति घी लें वो आपके ऊपर निर्भर करता है, पर सबसे ज़्यादा जो टेस्टी लगते हैं वो देसी घी के ही लगते हैं। यहाँ पर मैंने देसी घी ही लिया है, पर ये ध्यान रखना है कि 1/2 से बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। अब मैंने बोतल में बैटर को भर लिया है। देखिए इस तरीके से अब मैं आपको डालना बताऊँगी, तेज़ गर्म कर लेना है सबसे पहले हमें घी को, और जब वो तेज़ गर्म हो जाए और जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। बाकी बैटर मैंने अपना फ्रिज में ही रखा हुआ है, थोड़ा सा बोतल में कर मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। ये बात आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है, चिल्ड बैटर ही हमें यूज़ करना है। और देखिए इतने गैप से हमें थोड़ा थोड़ा सा करके बैटर डालना है। ये 1 चम्मच के करीब मैंने स्टार्टिंग में डाला है क्योंकि हमारा बर्तन छोटा है, अगर बर्तन बड़ा है तो 2-3 चम्मच के हिसाब से आप डालें उसी हिसाब से।
तो ये छोटा बर्तन है तो इसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। एक एक चम्मच करके मैंने दो बार डाला है, हमने दो बार बैटर डाल दिया है और टच नहीं किया है। अब तीसरी बार डालने से पहले हमें थोड़ा सा इस तरह के किसी भी बेलन के लास्ट पॉइंट से हमें इसे बीच में गैप करना है और फिर उसके बाद सेंटर में हमें ये बैटर डालना है। और जब तक वो बबल्स बिल्कुल शांत ना हो जाए तब तक हमें दूसरा बैटर नहीं डालना है, ये बात आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है। और फिर सेंटर में ही आपको डालना है और वापस से आपको बेलन के निचले वाले हिस्से से बीच में गैप करते जाना है, यानी कि सेंटर हमारा खाली होना चाहिए, उसमें ही हमें बैटर तब डालना है जब पहले वाला बैटर सेटल हो जाए। देखिए बबल्स रुक गए हैं थोड़ा सा, अब फिर सेंटर से मैं बैटर डालूंगी। इतनी ऊंचाई से ही आपको डालना है। देखिए मैं आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ। पहला घेवर हम बना रहे हैं और इतने गैप से आप डालिए, फिर सेंटर में से आप होल कर दीजिए इस तरीके से, और फिर इसी होल में हमें दूसरा बैटर पोर करना है। और जब बबल्स रुक जाए तब हमें दूसरा डालना है। इस तरीके से मैं 10 से 12 बार डालूंगी। देखिए बर्तन जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा बैटर आपको उतनी क्वांटिटी में डालना होगा, यहाँ पर बर्तन छोटा है तो मैं थोड़ी क्वांटिटी में डाल रही हूँ, बीच बीच में गैप करते जा रही हूँ। उसी गैप में हमें डालना है, हमें ये जो जालियाँ बन चुकी हैं इसके ऊपर ये बैटर नहीं डालना है। अगर आप उसके ऊपर डालेंगे तो वहाँ से वो थोड़ा लाइट कलर रह जाएगा और इतनी जालियाँ नहीं बनेंगी, तो हमें तेज़ गर्म घी में ही ये डालना है बैटर, तभी हमारी जालियाँ बनेंगी और तभी ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। देखिए इस तरीके से आप डालिए। यकीन मानिए आपको स्टार्टिंग में लगेगा ये थोड़ा मेहनत का काम है। हाँ मेहनत का काम ज़रूर है, पर आपको ईजिएस्ट वे में बताया है जिससे कि कम से कम मेहनत लगे। पर एक बार आप जब बनाना स्टार्ट कर देंगे ना घेवर, तब ये आपको बनाना बहुत ही ईजी लगने लगेगा, इवन आपको मज़ा आने लगेगा इसको बनाने में, आपको इंटरेस्टिंग वर्क लगेगा ये बहुत। मेन आप बैटर को बनाने में थोड़ा सा फोकस रखें, अगर बैटर आपका परफेक्ट बन गया एक बार तो आपके घेवर तो 100% परफेक्ट ही बनेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको इसको बनाने में जब भी आप बनाएंगे। एक बार आप ट्राई कर जरूर देखें और मुझे अपने फीडबैक नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है यूट्यूब पर ही उस पर लिखकर ज़रूर बताएं। और किस किस को मलाई घेवर पसंद है और किसको बिना मलाई का पसंद है ये भी आप ज़रूर कमेंट कर बताएं मुझे। मुझे तो मलाई घेवर ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं जिसको मलाई घेवर पसंद है वो मलाई घेवर बनाए, जिसको सिंपल घेवर पसंद है मीठा वो वैसा बनाए। मैं आपको दोनों रेसिपी बताने वाली हूँ। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी रेसिपी, तो अपने कमेंट और लाइक देने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, अपने इमोशंस में साथ ज़रूर कनेक्ट करें। और अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर ज़रूर करिएगा। और देखिए यहाँ पर हमारा घेवर ऑलमोस्ट लग रहा है कि बन चुका है, फिर भी मैं एक दो बार पोर करूँगी बैटर को और चारों तरफ भी किनारों पर मैं एक बार बैटर डाल दूँगी जिससे कि किनारे थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाएं। देखिए इस तरीके से, और फिर हमें ऊपर से क्रिस्पी करने के लिए किनारों पर से थोड़ा सा हम चाकू से इसे स्क्रैप करेंगे जिससे कि किनारे छोड़ दे, और फिर उसको हम अंदर को डिप कर देंगे घी के जिससे कि ऊपर से भी वो इतना ही क्रिस्पी हो जितना कि नीचे से क्रिस्पी है। इस तरह से हल्का सा आप नाइफ से कर दीजिए और ये अब घी के अंदर चला जाएगा ऊपर से भी, और ऊपर से भी ये बिल्कुल ऐसा ही सिकेगा, बिल्कुल क्रिस्पी शानदार। देखिए ऊपर घी आ चुका है। अब हम जो बेलन लिया था हमने उसी से ही सेंटर में होल को वापस से करके इसको ऐसे घुमा देंगे जिससे कि पूरा प्रॉपरली वो इसमें आ जाए। देखिए पूरा सिक चुका है। अब इसे इसी बेलन से हमें पकड़कर ऊपर को ऐसे निकालना है, और जितना घी इसमें एक्स्ट्रा है वो इसमें ही हमें निकाल देना है वापस से, और तब हम एक प्लेट में जाली रखकर उसके ऊपर इसे रख देंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा घी होगा वो उस जाली के थ्रू उस प्लेट में इकट्ठा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, ये आप कोई ऐसी जाली भी ले सकते हैं, छलनी आती है जो चावल निकालने की, देखिए इस तरह की कोई भी जाली या छलनी आप ले सकते हैं, पर्पज़ ये है कि घी नीचे निकल जाए प्लेट में। तो इसके ऊपर अब हम घेवर को रख देंगे, बहुत डेलिकेट होते हैं समय, थोड़ा ध्यान से रखें। अभी आपको एक बार और घेवर बनाना बता रही हूँ। देखिए तेज गर्म घी होना चाहिए, टेम्परेचर को देखकर ही उसमें डालें आप बैटर। जब हम सेकंड घेवर बनाते हैं वो पहले से ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि एक बार टेम्परेचर भी सेट हो जाता है और दूसरा हमारा हाथ भी सेट हो जाता है बनाने के लिए। तो देखिए इसकी जाली उससे ज़्यादा परफेक्ट निकल कर आ रही हैं, आप देख रहे होंगे साइड से भी इसमें बिल्कुल वैसी ही जाली आ रही हैं जैसे कि मार्केट से घेवर आता है, उसकी जाली थोड़ा ऊपर को होती है। ये इस वजह से होता है जब हम तेज गर्म घी में बिल्कुल चिल्ड बैटर डालते हैं तो वो साइड में जाकर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से देखिए
मैं बिल्कुल एक एक बारीकी आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं कई बार बना चुकी हूँ और मुझे इसका एक्सपीरियंस हो चुका है। वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, कोई भी चीज़ मैंने आपसे बिल्कुल भी नहीं छुपाई है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार तो लाइक करना आपका बनता ही है ना वीडियो को देखने के बाद में, उसमें बिल्कुल कंजूसी ना करें। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा मैं फास्ट वे में आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि एक मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। तो ये बैटर की कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें आपकी बहुत मैटर करती हैं जब आप इस तरह का घेवर बनाते हैं। और ये जाली इसी बात पे डिपेंड करती है कि जितना अच्छा बैटर आपका बनेगा और जितना ठंडा होगा, उतनी ही जाली आपके घेवर में आएगी। और आप किस तरीके से बैटर डाल रहे हैं इसे भी थोड़ा ध्यान से देखिए, बिल्कुल फोकस करके आपको दिखा रही हूँ। सेंटर में ही आपको बैटर डालना है, घेवर के ऊपर बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि वहीं से फिर वो कच्चा रह जाएगा और जाली भी नहीं बनेगी। बीच में हमें गैप करते जाना है इस तरीके से, और इसी गैप में हमें वापस से बैटर डालना है। और देखिए साइड में जाकर वो इकट्ठा हो रहा है, और नाइफ से थोड़ा सा आपको पहले की तरह ही स्क्रैप करना है, हटाना है, जिससे कि हम उससे नीचे को डिप कर सकें और ऊपर से भी वो उतना ही क्रिस्पी सीखे जैसा कि नीचे से सिकता है। इस तरीके से थोड़ा डेलिकेट होता है, थोड़ा ध्यान से ही कीजिए, इस समय टूटने का डर भी रहता है। और बहुत तेज़ गर्म घी है तो इसे बर्तन को बहुत अच्छे से हैंडल करें। और देखिए ऊपर से भी अच्छे से सिक चुका है। अभी इस स्टेज पर इसको हम बेलन की सहायता से बाहर निकालेंगे, पर इसी में ही थोड़ी देर तक रोक कर रखेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा घी है वो इसमें निचड़ जाए, और फिर उसके बाद में हम जाली के ऊपर रख कर एक्स्ट्रा घी निकाल देंगे इसमें से। वैसे बेलन की सहायता से आप दबा दबा कर जहाँ से आपको कच्चा लग रहा है उधर से सेक सकते हैं। अभी इसे धीरे से ही निकालना है ऐसे। देखिए कितना परफेक्ट जाली आई है और कितनी थिकनेस है इसकी, जैसे कि मार्केट के घेवर होते हैं। आप इसे ऐसे रखकर भी घी निकाल सकते हैं। देखिए अब इसे हम जाली पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक एक जाली कितना अच्छे से दिखाई दे रही है। देखिए मैंने सिर्फ एक कप मैदा से इतने सारे घेवर बना दिए, टोटल 10 घेवर बनकर रेडी हुए हैं। और देखिए हर एक बिल्कुल परफेक्टली रेडी हुआ है, कोई भी टूटा नहीं है, और थिकनेस भी कितनी अच्छी है। जाली ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही उठ कर आई है जैसे कि मार्केट के घेवर होते हैं। कोई मैंने लाइट कलर का सेका है, कोई कोई मैंने डार्क कलर का सेका है। जितना डार्क होगा उतना क्रिस्पी होता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद है, आप ऐसा ही सेकें। और जाली तो बिल्कुल ही परफेक्ट आई है, देखिए कितनी प्यारी जाली बनकर आई है। मैं आपको दोनों तरह के घेवर, चाशनी वाले भी और साथ ही साथ मलाई घेवर भी, दोनों तरह के घेवर बता रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम चाशनी डालेंगे इसमें। इस तरीके से आप पूरे घेवर में धीरे धीरे करके चाशनी डालें। बहुत ज़्यादा भी चाशनी नहीं डालनी है, वरना ये सोगी हो जाएंगे और क्रिस्पी नहीं रहेंगे। बस इतना कि मीठे हो जाएं। और फिर उसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पिस्ता और बादाम ले रही हूँ, बारीक बारीक काट कर आप उस पर लगा दें। ऐसे भी मार्केट में मिलते हैं और साथ ही साथ मलाई घेवर भी मिलते हैं। मैं अब आपको पूरी रेसिपी उसकी भी बताऊँगी किस तरीके से लगाना है। और यकीन मानिए खाने में ये इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप बाहर के लाना भूल ही जाएंगे, वो कुछ भी नहीं लगेंगे आपको इनके सामने, ये इतने टेस्टी लगते हैं। देखिए ड्राई रोज पेटल्स हैं जो मैं ऊपर से डाल रही हूँ, ऑप्शनल है बिल्कुल, मेरे पास रखी हुई थी इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ ड्राई फ्रूट से भी इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। अब आपको मलाई घेवर लगाना बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से आप धीरे धीरे करके डालें, बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं डालनी है वरना ये सोगी हो जाएंगे। पहले मैंने थोड़ी सी चाशनी डाली है इस घेवर पर, उसके ऊपर मैं यहाँ पर रबड़ी लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके, आप चाहें तो चाशनी को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि रबड़ी में भी मीठा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, लाइट मीठे के पसंद हैं, तो बिना चाशनी के भी आप सिर्फ रबड़ी लगाकर भी आप इन्हें रेडी कर सकते हैं, क्योंकि रबड़ी में भी अपना मीठापन है, उससे भी अच्छे लगेंगे। तो अब ऊपर से ऐसे ही हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं वापस से। आप मलाई घेवर 3 से 4 दिन फ्रिज में रखकर खा सकते हैं, और चाशनी वाला घेवर 15 से 20 दिनों तक आप खा सकते हैं। और सिंपल जो बिना मलाई और बिना चाशनी के आप रखते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में घेवर, वो आप महीने भर तक एंजॉय कर सकते हैं, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होते, बिल्कुल सही रहते हैं। फ्रेंड्स देखिए रोज पेटल्स भी मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। अब ऐसे ही केसर के स्ट्रैंड्स थोड़े से मैंने भिगो कर रख दिए थे, वो भी इसमें हम एक एक लगा देंगे। और जो केसर का पानी होता है
उसका एक एक ड्रॉप हम इस पर लगाएंगे तो येल्लो कलर भी इसके ऊपर आ जाएगा, जो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। देखिए ये अपनी क्रिएटिविटी है, मेन तो है घेवर, जो कि वो परफेक्ट बनना चाहिए। अगर वो परफेक्ट है तो बाकी सब चीज़ें अपने आप से ही अच्छी लगती हैं। तो मेन तो हमें घेवर अच्छा बनाना है, बाकी तो ऊपर की क्रिएटिविटी अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। देखिए आपको चारों तरफ से दिखा रही हूँ किस तरह से लुक आया है घेवर का। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए घेवर की थिकनेस देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है ना, मार्केट से भी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। एक बार बनाकर तो देखिए, आपका हमेशा खुद से ही बनाने का मन करेगा और जो खुशी मिलेगी बनाकर उसके तो बात ही मैं आपको नहीं बता सकती। मुझे तो बनाकर बहुत अच्छा लगता है और साथ ही मुझे आपके साथ शेयर करना भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगाया है, मार्केट में इजीली मिलता है, आपके पास है तो लगाएं, वरना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लगाना ही है, पर इसे लगाने से बिल्कुल ही ये मार्केट का लुक दे रहा है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक बार आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। जो भी नए मेहमान हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये बिल्कुल फ्री होता है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और रेसिपी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है, थोड़ी भी आपको पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो चलिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।